रिसाइकलिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो रिसाइकलिंग के फेवरेबल है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो हार्मफुल होते हैं एनवायरमेंट, क्या बात है? नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर आप उसको ढंग से यूज करें तो हार्मफुल नहीं है, क्योंकि अगर आप ढंग से यूज नहीं करेंगे तब उसको अगर डंप कर देंगे, उसको लैंडफिल में यूज करेंगे तब वो हार्मफुल है। अगर आप उसको रिपर्पज यूज करेंगे, कोई नया यूज निकाल लेंगे तो वो हार्मफुल नहीं है, बल्कि उसकी लाइफ बहुत लंबी है। आप जैसे प्लास्टिक वेस्ट को हम लोग सड़क बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट को सड़क बनाने में यूज करने से सड़कें चावल भी चलेगी, सड़कों में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी और ग्रिप अच्छा रहेगा। तो ये प्लास्टिक का एक इनोवेटिव यूज है। इस तरह से हम लोग को हर चीज का इनोवेटिव यूज सोच के लिए। हम तो यही जानते हैं कि बायोडिग्रेडेबल है तो बायोडिग्रेडेबल वही ठीक है एनवायरमेंट के लिए। आप ये सुना है लेकिन ये सही नहीं। मैंने किताब लिखी है प्लास्टिक इन एड ऑफ एनवायरमेंट, जहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर आप प्लास्टिक को किसी और चीज से, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो, रिप्लेस करेंगे, समझिए आप प्लास्टिक का बैग है। अभी है कि बहुत थिन बैग पर बैन है, आप बहुत थिन बैग बना नहीं सकते क्योंकि वो रैग पिकर उसको पिक नहीं करते, लेकिन थिक बैग है। आप सोचिए अगर सारे प्लास्टिक बैग अगर कागज से रिप्लेस करेंगे तो आपका कोई पेड़ नहीं बचेगा, सारे पेड़ काटने पड़ेंगे, क्या वो सही है? तो आप जब हम लोग फैब्रिक बनाते हैं, कोई जैसे हम लोग कॉटन का बैग यूज करना चाहते हैं, जूट का बैग, कॉटन के बैग, कॉटन बनाने के लिए बहुत पानी की जरूरत है। आप कॉटन फैक्ट्री में जाके देखिए कितना पानी चाहिए। हर चीज का एक अलग अलग यूज है। आप सोचिए आपकी सिरिंज है, जो डिस्पोजेबल सिरिंज है, या आपका जो ब्लड जो लेने का जो थैली है, या जो आप आईवी जो लेते हैं प्लास्टिक के बॉटल, आपका कहा क्या चीज ग्लास के बॉटल यूज कर सकते हैं? ग्लास में बायोडिग्रेडेबल नहीं है, पर ग्लास इज ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल। स्टूडेंट को एक छोटा सा मैसेज दें। मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि वेस्ट अपसाइक्लिंग और रिसाइक्लिंग बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। इसमें स्टार्ट करने के लिए बहुत कम पैसों में स्टार्ट हो सकता है और इसमें मार्जिन और प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। इसमें हमारे बिजनेस फेल होने की गुंजाइश बहुत कम है और इस तरह के बिजनेस में कोई घाटे की चांस नहीं और बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की पॉसिबिलिटी है और आपको सपोर्ट सब वर्ग से मिलेगा, क्योंकि हर आदमी अपने एनवायरमेंट कॉन्शियस हो गया है। एनवायरमेंट फ्रेंडली कोई भी प्रोडक्ट हो उसको इंकरेज करने की चेष्टा करें। सर, लेकिन गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिले तो इस काम को कितने लेवल तक ये है कि उनका वरद हस्त हो, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। थैंक यू।